हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ विजुअल बेसिक का जो कंसोल ऐप है, अगर आपको इस तरह का कंसोल ऐप बनाना हो तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है, यहाँ पर एक मॉड्यूल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है मॉड्यूल वन, और फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से नम वन नाम का एक हमने वेरिएबल लिया, फिर नम टू नाम का लिया और MUL मल नाम से लिया, और फिर यहाँ एक काउंट नाम से भी लिया है, और फिर कुछ इस तरीके से हमने इसको प्रिंट करवाया है। ये देख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमने लिखा है दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करवाने के लिए विद द हेल्प ऑफ यूजर, ठीक है। तो यहां पर अब हम इस प्रोग्राम को चलिए एक बार रन करवाते हैं, ये प्रोग्राम आप पूरा देख लीजिए, इसको एक बार रन करवाते हैं, ठीक है। और यहां से कंसोल ऐप पे जाकर के इस पर क्लिक कर देंगे तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो जाता है। रन हो जाने के बाद इस पर लिख के आएगा एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। जैसे ये प्रोग्राम रन होगा तो एंटर नंबर वन, क्योंकि हमने यहां पे दिया हुआ है नंबर वन, देखिए ये लिखा हुआ है नंबर वन, जो यहां पे देंगे वही चीजें आएंगी। अगर आप यहां पे दे देंगे एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो यहां पर वही आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं एंटर द फर्स्ट FIRST नंबर, ठीक है, तो अब वही चीज लिख के आएगी, ठीक है। फिर यहां देखिए एंटर सेकेंड नंबर दिया हुआ है, नंबर सेकेंड, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंटर द सेकेंड नंबर, तो जो लिखेंगे वही आएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया और अब इसको वापस से हम रन करवाएंगे। चेंज करने के बाद आप इसको दोबारा से रन करवा देते हैं तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से रन हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है आप देख सकते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर। तो अब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, यहाँ पर कोई नंबर एंटर करते हैं, लाइक 44 एंटर किया और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 44 को जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया। इसी तरीके से कोई भी मल्टीप्लाई आप करवा सकते हैं दो नंबर का। फिर इसको एक बार रन करवा लेते हैं, फिर वही चीज 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 9 से, तो यहाँ 36 आना चाहिए और 36 आ भी रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये ऐप डिजाइन कर सकते हैं, ये कंसोल ऐप बना सकते हैं आप, ठीक है। इसे मैंने सेव कर रखा है, देख सकते हैं। प्रोग्राम आपको इसी तरीके से लिखना होगा, आप चाहे तो वेरिएबल का नाम बदल सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम लगभग इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ओके।